जब हमें शौक होता है उन बड़े बड़े पौधों को, उन बड़े बड़े दरख्तों को कि हम अपने घरों में ला के लगाएँ, अपने इंडोर में अथवा अपने बालकनी के आउटडोर में लगाएँ, तो हमें आवश्यकता होती है कि वो वहाँ पे अपने जंगलों में उस तरह के दरख्त, उस तरह के पेड़ किस वातावरण में थे, किस मिट्टी में थे, किस तरह का उन्हें पानी पसंद था, वो सब हम स्टडी करें और फिर वही चीज़ें अगर हम इनको यहाँ अपने घरों में अपने बालकनी में देते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फेडर लीफ प्लांट की। फेडर लीफ प्लांट जिसे फिग प्लांट भी कहते हैं, बेसिकली ये रेनी फॉरेस्ट का प्लांट है। उन जंगलों में जहाँ खूब बारिश होती है वहाँ का ये पौधा है। हम इसे अपने बालकनी में अपने घरों में ला के लगाते हैं तो इसके लिए हमें वहाँ का वातावरण, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी हमें यहाँ अपने बालकनी में अथवा इंडोर आउटडोर में देना पड़ता है। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम बात करेंगे फेडर लीफ प्लांट, फिग प्लांट के बारे में सारी बातें कि किस तरीके से इनको अपने घरों में रखें हम और किस तरीके से इनका रखरखाव करें ताकि आपके पौधे आपके घर में आपके बालकनी में बहुत स्वस्थ और अच्छे रहें। ये पौधा फाइकस परिवार का सदस्य है और इसका बॉटनिकल नेम फाइकस लरेटा है। अब इस पौधे के लिए सॉयल कैसी चाहिए, इस पौधे के लिए पानी कैसा चाहिए, ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। फिग प्लांट, इसकी शानदार बड़ी बड़ी चमकदार खूबसूरत पत्तियां ही इसके आकर्षण का केंद्र है। इनका सॉयल मॉइस्ट होना चाहिए हरदम, इस बात का ध्यान रहे। पानी रुका हुआ सॉयल में इन्हें नहीं पसंद है, लेकिन ये भींगा हुआ इसे इन्हें पसंद है। भींगा हुआ पसंद है तो इसके लिए हम इसके सॉयल में कोकोपीट डालेंगे, हम डालेंगे इसमें गार्डन सॉयल, हम डालेंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट, हम डालेंगे इसमें सैंड और इसके बाद नीम की खाद और थोड़ा सा इप्सन साल्ट। पॉटिंग सॉयल के बारे में ये जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हर पॉट के साइज़ के हिसाब से लगभग 2 ग्राम हम इसमें फंगीसाइड ज़रूर मिलाते हैं, तो वो भी आप मिलाइए। अगर हम बात करें इनके पॉट के साइज़ की, तो ये तो हमने देखिए 4 इंच पॉट में भी बना लिया है और 4 इंच पॉट में भी है, लेकिन 4 इंच पॉट में ये देखिए रूट बाहर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये रूट रॉटिंग हो रही है। ऐसे बड़े प्लांट बनाने के लिए कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट का आप प्रयोग करें। तो 10 से 12 इंच के पॉट में अगर ये आप सारा इसका सॉयल जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये डाल के अगर आप लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत हेल्दी होगा। इस पौधे को हम रखें कहाँ? इसे छायादार, ब्राइट लाइट हो लेकिन छायादार इसे पसंद है। कहीं भी ग्रीन नेट में आप रख सकते हैं, कहीं पौधों के बीच में इसको रख सकते हैं, और अगर इंडोर रखना है आपने तो ऐसी जगह जहां खिड़की से छन करके थोड़ी सी हल्की धूप आती हो ऐसी जगह पे आप रख सकते हैं। ऑफिस वगैरह में अगर बहुत कम लाइट है वहां भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन फिर 15 दिन 10 दिन के बाद एक आध दिन के लिए शेड लाइट में बाहर निकाल दीजिए तो ये प्लांट बहुत अच्छे चलते रहते हैं। जब कमरे में इसे हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ खिड़की से धूप की हवा छन छन के आती है, मीठी हवा, धूप थोड़ी सी, तो इस पौधे में एक और बात होती है, जिधर से रोशनी आती है ये पौधा उस तरफ को झुक जाता है, ये इस तरीके से झुकता जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, आते जाते 2-4 दिन में इस पौधे को ऐसे टर्न कर दीजिए, अन्यथा काफ़ी दिनों तक अगर वहीं रहेगा तो ऐसे झुक के टेढ़ा हो जाएगा। तो आपने 2-5 दिनों के बाद, 5-6 दिनों के बाद एक बार फिर ऐसे टर्न कर देना है, 5-6 दिनों के बाद एक बार फिर ऐसे टर्न कर देना, क्योंकि इसकी फितरत है कि जिधर से रोशनी आता है ये पौधा उस तरफ को झुक जाता है। इसकी अगर हम बात करें कि कितनी हाइट होती है, 10 फीट तक इसकी हाइट होती है। आपने जिस कमरे में जहाँ तक हाइट रखनी है उसके हिसाब से इसको ऊपर से कट करके भी रख सकते हैं तो ये अच्छा चलता रहता है। अब अगर हम बात करें इसके फर्टिलाइजर की, तो सॉयल में तो आपने पहले फर्टिलाइजर डाल दिया जब प्लांट बनाया है, लेकिन क्योंकि इसकी प्यारी खूबसूरत पत्तियाँ हैं और इसको बड़े बड़े पत्तियों का ही शोभा है, तो यहाँ पर आपको हर महीने
10 इंच के पॉट में लगभग 100-150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिट्टी को थोड़ी सी ऊपर से हटाइए और उसके ऊपर डाल दीजिए, और फिर उसमें डालिए आप 5 ग्राम के लगभग इप्सन साल्ट, 1-2 ग्राम कोई भी फंगिसाइड ताकि कभी फंगस इसमें ना आए, और फिर मिट्टी को ढक दीजिए आप। हल्का वाटरिंग उस दिन कीजिए आप, और उसके बाद ये चलते रहेंगे। अगर आप वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल सकते हैं, नहीं है आपके पास, नहीं डालना चाहते हैं, तो बहुत इजी है, शाम के समय इस पौधे की मिट्टी को भिगो दें, थोड़ा मिट्टी को हल्का कर दें खुरपी उरपी से, उसके बाद सीविड एक्सट्रेट के 8-10 दाने इसके ऊपर डाल दें और फिर मिट्टी को ढक दें, वो डिजॉल्व हो जाएगा अपने आप, तो वो भी काम करेगा 1 महीने तक आपका 8-10 दाना। अथवा सीवीड एक्सट्रेट का लिक्विड आता है प्लांट फूड के नाम से गोइंग ग्रीन कंपनी का, और किसी और कंपनी का भी आता होगा, उसका भी 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पे, इनकी जड़ों पे, इनकी टहनियों पे आप स्प्रे कर दें, ये बहुत अच्छे चलेंगे। एक पॉइंट और है, इनमें भी कीड़े लगते हैं, जी हाँ लगते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी तो हम आपसे करेंगे अपने अगले वीडियो में, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पे ऊपर नीचे हर जगह छिड़काव करें, इवन इनकी टहनियों पे भी छिड़काव करें। कई बार टहनियों में भी फंगस या कोई और दूसरे पौधे से मिलीबग या कोई और कीड़ा आकर के इस पर चिपक जाएगा, पौधे को ख़राब करेगा, तो इसको इस तरीके से आप करें, आपका पौधा बहुत हेल्दी होगा। इस पौधे को किसी तरह का ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है, शांत स्वभाव के पौधे हैं, इनको आप हिलाइए डुलाइए ज़्यादा नहीं, बस हाँ खिड़कियों के सामने रखा है वो आप घुमा दें, लेकिन अगर आप ये चाहेंगे 10 दिन यहाँ रखा, 5 दिन वहाँ रखा, 13 दिन वहाँ रखा, तो ये प्लांट खराब हो जाते हैं। तो इनको कोशिश कीजिए एक बार जहाँ के ला के आपने रख दिया, प्रयास करें काफ़ी दिनों तक वहीं रहे, ज़्यादा हिलाएंगे जगह इसकी बदलेंगे तो इस पौधा मर भी सकता है। इसी तरह इसको पानी भी उसी तरह पसंद है, एक दिन आप टाइम पर डाल दिए, मंगलवार को आपने पानी डाला, तो फिर उसके बाद आपने डाला शुक्रवार को पानी, फिर आपने डाला एतवार को पानी, रविवार को पानी, तो ये यही हैबिचुएट हो जाते हैं उसी चीज़ के कि हमें उस दिन फिर भोजन मिलेगा। अगर आपने ये भी ध्यान रखना है तो आपका पौधा ये बहुत अच्छा चलेगा। तीसरी बात पानी देने की एक और है कि इसके पॉट के हिसाब से एक बार आप अंदाज लगा ले, जैसे ये 4 इंच का पॉट है, आपके पास 10 इंच का पॉट है, तो क्या उसमें 1 कप पानी डालने से पानी नीचे निकल जाता है? नहीं निकलता है। 2 कप पानी डालिए, 1.5 कप डालिए, 3 कप डालिए, जितना एक बार आपने डाला देख लिया कि वो पानी निकल जाता है, उतने ही माप से हर बार इसमें पानी डालिए। रेगुलेटरी इसको बिल्कुल पसंद है कि हमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं इतना पानी पीता हूँ, मैं इतना धूप में रहता हूँ, मैं इस जगह पर रहता हूँ, ये सारी चीज़ें इसे बड़ी पसंद है। तो अगर इसके नेचर को हम इस तरीके से फॉलो करेंगे तो प्लांट हमारे हेल्दी और अच्छे होंगे। इस पौधे को ह्यूमिडिटी पसंद है, तो इसे कमरे में जहाँ रखेंगे उन इलाकों में जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एयर प्यूरीफायर तो है ही, पोल्यूशन जो आपके कमरे में है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ऐसा होगा तो आपका कमरे का वातावरण कितना प्यारा और अच्छा हो जाएगा। यह पौधा आपको मैंने पहले बताया था उन जंगलातों का है जहां बारिशें बहुत होती हैं, जाहिर सी बात है इसे बारिश बहुत पसंद है, तो इसको आप वहां भी रख सकते हैं आउटडोर में, अगर रखते हैं जहां बारिशें होती हैं, छन छन के पानी आता है, अथवा कमरे में अगर आप रखते हैं या ऐसी जगह रखते हैं जहां नहीं है बारिश, तो इनके पत्तियों पर अगर आप पानी का स्प्रे करते हैं तो भी इन्हें बहुत पसंद है, ऐसा भी इन्हें अच्छा लगता है। इस पौधे का एक और खास है मेंटेनेंस ऑफ सेप, सेप को हम कैसे बरकरार करें इस पौधे की। एक तो कुदरत ने जैसे दिया है पत्तियां नीचे से ऊपर तक चली जाती रहती हैं, अगर आपने प्रॉपर खाद दिया, जो हमने बताई थी उस तरह की मिट्टी बनाई, उस तरीके से इसको रूटीन वर्क में लाया, अगर पानी भी डालने का और जगह भी और ऐसे घुमा लेने का, सूरज की रोशनी जब आती है तो ये खुद भी ऐसे पौधा अच्छा जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इनको हम हाइट में ऊंचा 5 फीट 6 फीट 7 फीट तक लें, आपकी दीवार तक लें, तो ये वहाँ तक भी जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमको इसके 4 फीट पर ही रोक देना है,
तो ये 4 फीट पे भी रुक जाएगा। इसके लिए आपको फिर इसके नोट से कटिंग करके हटा देनी होगी। फिर जहां से आप कटिंग करेंगे वहां से ब्रांचें और आएंगी। ये भी एक तरीका है कि हम इसकी ज्यादा भी तो एक सीधा डंडी जा रही है इसकी पौधे की, लेकिन हम इसकी ढेर सारी ब्रांचेज ले तो इसके ऊपर के नॉट स्लाइस कैची स्लाइस टूल से हम कर देंगे और उसके वहां ऊपर में हम कोई एंटी फंगल पाउडर लगा देंगे ताकि वहां से कोई फंगस ना आए। तो उसी नॉट के नीचे से और ब्रांचें निकलेंगी। आज हमने आपसे शेयर किया फेडर लीफ फिक प्लांट के बारे में, फाइकस लेडेटा के बारे में सारी जानकारी, किस तरीके से इन्हें अपना बालकनी में घर में रखें ताकि आपका यह पौधा बहुत स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। आशा है मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने वालों को, अपने मित्रों को और पौधे के शौकीन प्रेमियों को मेरा यह वीडियो फॉरवर्ड करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फीडर लीफ के बारे में अगर आप शौकीन हैं तो हम इसकी बहुत सारी जानकारियां आपको जल्द ही देने वाले हैं। धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, हम अगले वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलते हैं।